आज ना सुबह सुबह मेरे पास पनीर की सब्जी का ऑर्डर आया, वो भी जल्दबाजी में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज बनाएंगे पनीर की सब्जी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक कढ़ाई में जो है 2 चम्मच के करीब जो है ना तेल लिया है, और मैंने थोड़ा सा खड़े मसाला डाला है, जैसे जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, तेजपत्ता, तो मेरे पास यही मसाले थे तो मैंने डाल दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक डाला, और मैंने यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाला। तो यहाँ पे ना प्याज डालने के बाद जो है ना मैं इसको 5 मिनट के लिए भून लूँगी। तो प्याज को ना हमें यहाँ पे पीसना है, और इसको मैं भून के पीसूँगी, इससे जो है ना इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। अब जो है ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा ये भून चुका है। अब हमें इसमें टमाटर डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे यहाँ नमक। तो नमक डालने के बाद जो है ना ये जल्दी से हमारा जो टमाटर और प्याज है सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ना पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने के बाद ना इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, और इसका जो पानी है ना वो भी हल्का सा सूख चुका है, और ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको फटाफट से पीस लेंगे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे ये ऑर्डर जो है ना फटाफट पूरा करना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे हम तेल डालेंगे, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बटर डालूंगी। बटर डालने से ना इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, जो है ना हम यहाँ पे प्याज और टमाटर का पेस्ट फटाफट से डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है इसको 2 मिनट के लिए भून देंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा जाए। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है, और 1 चम्मच जो है ना ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, और साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो है ना मसाला डालने के बाद जो है ना हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले जितने अच्छे से भुने रहेंगे ना, पनीर की सब्जी जो है ना वो उतनी अच्छी बनेगी। तो मैंने ये फटाफट से तैयार किया है, और मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया, क्योंकि मेरे घर में भी जो है पनीर की सब्जी सभी को बहुत पसंद है, और मुझे दोबारा बनाना भी नहीं पड़ेगा कोई सब्जी, तो इसीलिए जो है ना मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया। अब जो है मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मुझे जो है ना ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए, तो मैं इसमें जो है पानी थोड़ा कम ही ऐड करूँगी। पहले देख लेती हूँ कि इसका ग्रेवी कैसा है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद जो है ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास घर का मलाई है, और इस मलाई में जो है ना मैंने थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद जो है ना हमने सब्जी में डाल दिया है, और थोड़ा सा जो है ना ग्रेवी जो है मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी इसमें और ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक मैंने पहले भी मसाले में डाला था, तो मैंने थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में नमक डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर डाला है। तो पनीर जो है ना मैं होममेड यूज करती हूँ, तो मैंने पहले से ही पनीर बना रखी थी घर के लिए, पर मुझे आज ऑर्डर आ गया तो मैंने इसी पनीर का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और हमारी जो सब्जी है ना वो रेडी हो चुकी है। इसके साथ जो है ना मैंने आलू की कचौड़ी भी बनाई थी, पर मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, और मैंने फटाफट से जो है ना इसको पैक करके भेज दिया। और कुछ देर के बाद ना कस्टमर का मैसेज भी आ गया कि उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।